यहाँ हमने कुछ पानी रखा है इस जग में और मेरे पास कुछ वुडन ब्लॉक्स है। आपको क्या लगता है ये ब्लॉक में पानी में डालता हूँ तो क्या ये डूब जाएगा पानी में या तैरेगा? ये तैरेगा। ये मैं पानी में डाल देता हूँ तो तैरेगा। तो मैं बहुत धीरे से डाल रहा हूँ। ये तैर रहा है, ये तैर रहा है नहीं? ओके। ये एक वुडन पीस है सिमिलरली, उससे थोड़ा सा बड़ा है, ये क्या होगा? ये भी तैरेगा। ये भी तैरेगा। अरे ये भी तैर रहा है। ओके तो रुचि, हमने इसी तरीके से तीन वुडन पीस को हमने एक थ्रेड से बांध दिया। तो आपको क्या लगता है कि ये तीनों वुडन पीस से बांधा हुआ जो एक ही साथ इकट्ठा है वो पानी में डालने के बाद डूबेगा कि तैरेगा? मुझे लग रहा है ये डूब जाएगा। ये डूब जाएगा, हैवी हो गया इसमें। ओ अच्छा, आपका ये कहना है कि हमारा जो ये वुडन पीस था इससे ये काफी भारी है। आप हाथ रखिए, कौन सा भारी है? ये भारी है। तो आपको कहना है ये भारी है इसलिए वो डूब जाएगा। ओके तो हम इसको कोशिश करते हैं। आप देखिए ध्यान से। अरे अरे ये तो तैर रहा है। ये तैर रहा है। अच्छा आप ये तैर रहा है। मुझे लगता है मैं एक बार कोशिश करती हूँ। ओके ओके हाँ हाँ। अरे अच्छा अभी भी तैर रहा है। अभी भी तैर रहा है। ओ ओके तो रुचि आपको ये कहना है, आपको क्या लगता है कि हम इस वुडन पीस को और बड़ा टुकड़ा कर देंगे तो वो डूबेगा कि तैरेगा? हम और बड़ा कर देंगे तो शायद डूब जाए, तो आप डूब जाएगा। ओके ओके तो रुचि का ये कहना है कि हम जब एक वुडन पीस को पानी में डालते हैं तो तैरता है। इसे थोड़ा सा बड़ा एक वुडन पीस था उसको भी हमने डाला, वो भी तैर रहा था। रुचि का ये कहना था कि हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो वो डूब जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं, वो तैर रहा है। रुचि को अभी भी कहना है कि हम इस वुडन पीसेस को थोड़ा और बड़ा कर दे और पानी में डाले तो वो डूब जाएगा, तब वो नहीं तैरेगा। आपको क्या कहना है?